हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य, मेरे यूट्यूब चैनल एशियन गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा ईईजी पर है। ईईजी का मतलब इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम पर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला टॉपिक है ईईजी क्या होता है, तो ईईजी में मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है और इसमें बहुत सारे वेव्स बनती है जिसके आधार पर बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी वेव होती है, मैं वेव्स के बारे में नाम बता देते हैं आपको। जैसे कि डेल्टा वेव होती है, थीटा वेव होता है, अल्फा वेव होता है और सिग्मा वेव होता है, बीटा वेव होता है और इसके अलावा भी वेव्स होती हैं, जैसे कि इंफ्रास्लो वेव होती है और गामा वेव इत्यादि होती है। दोस्तों, जो मेरा दूसरा टॉपिक है, ईईजी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ईईजी कराने की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि दिमाग में किसी प्रकार का विकार होता है, तो उसके लिए ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कौन कौन से विकार हो सकते हैं वह हम आपको बता दें। जैसे मिर्गी आती है, मिर्गी को एपिलेप्सी भी बोलते हैं इंग्लिश में, मिर्गी हो गया, ब्रेन ट्यूमर अगर है तो भी आपको ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है, नींद से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो ईईजी की कराने की ज़रूरत पड़ती है, कोमा में यदि कोई पेशेंट है तो उसके ब्रेन की स्टेटस जानने के लिए भी ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है, और ईईजी में मस्तिष्क में अगर सूजन है तो भी ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है, यदि पागलपन है तो भी ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रोक है तो भी ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें जो बीमारी है मस्तिष्क के, जिसके वजह से ईईजी कराने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जो मेरा तीसरा टॉपिक है, ईईजी कराने से पहले क्या तैयारी करनी होती है। तो ईईजी से पहले रात को अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का जेल, क्रीम या स्प्रे नहीं लगाना चाहिए जब तक ईईजी नहीं हो जाता है। और जब भी आप ईईजी कराने जाएं तो आपका जो हेयर है वो एकदम बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और उसके साथ आप जब भी ईईजी कराने जाएं तो साथ में तौलिया या गमछा लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ पेस्ट लगाए जाते हैं जिसको साफ करने में आपको सहायता मिलेगी। दोस्तों, जब भी ईईजी कराने जाइए तो आपको खाली पेट नहीं जाना है, यानी कि आपको नाश्ता करने के बाद ही ईईजी कराने के लिए जाना है। ईईजी कराने जब भी जाएं आपको कम से कम 20 से 30 मिनट का टाइम लेकर के जरूर आप जाएं, क्योंकि इसमें 20 से 30 मिनट लगता है। दोस्तों, जो मेरा चौथा टॉपिक है, ईईजी के दौरान क्या होता है। तो ईईजी के दौरान टेक्नीशियन क्या होते हैं, छोटे छोटे पैड्स जिन्हें इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, पेस्ट के साथ में इस दिमाग के जो त्वचा है, मस्तिष्क का जो त्वचा है, त्वचा और बालों पर लगाते हैं, या आपको एक कैप पहनने के लिए दिया जाता है जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोड लगा रहता है। दोस्तों, टेस्ट के दौरान आपको आंख बंद करनी पड़ती है और उसके साथ ही आपको स्थिर रहना पड़ता है और आपको मुंह से बहुत गहरी और तेज़ सांस लेने के लिए बोला जाता है, और थोड़े समय के लिए आपके आँखों पर तेज़ रोशनी डाली जाती है और सोने के लिए भी बोला जाता है। दोस्तों, मेरा पाँचवा टॉपिक है, ईईजी कराने के बाद क्या होता है। तो ईईजी कराने के बाद जो सिर पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, पैड्स जो लगे रहते हैं, उसको हटा दिया जाता है फिर, और पेस्ट जो लगा रहता है उसको तौली आप जो लेकर गए रहते हैं उसको आप उसे साफ़ कर लेंगे और घर जा कर के शैम्पू करके बालों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, मेरा जो छठवां टॉपिक है, इस ईईजी से क्या फ़ायदा होता है। तो ईईजी सीटी एमआरआई की तुलना में बहुत ही सस्ता टेस्ट है और इसमें किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं होता है, और ईईजी एक लाइव फिट की तरह काम करता है जो दिमाग में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को उसी वक्त सूचना देता है। दोस्तों, कौन सी बात है जो डॉक्टर और टेक्नीशियन आपको समानता नहीं बताते हैं। जैसे कि जिस दिन आपको टेस्ट कराने जाना है उससे पहले वाले रात में आपको कैफीन युक्त पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेना है, जैसे कि चॉकलेट हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर अगर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जैसे जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।